सभी को सबको मेरे दिवाली के उस अवसर पर शुभकामनाएं हैं। सब खुश में रहो और तरक्की करें, दिन दुगनी रात दुगनी परिवार दिन में करें, सबके अपने प्रदेश भी करें, देश भी करें और आपस में प्रेम बनाए रखें। और जो आप दिवाली मनाते हैं कि राम घर वापस लौटे हैं, तो वैसे ही जो है खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश में फिर से राम आ गया। आदमपुर चुनाव को लेकर किस तरह देखते हैं? सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार। मेन मुद्दे क्या है सर, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, मुद्दे क्या है सर वहाँ के? मुद्दे सरकार जो मौजूदा सरकार है वो विफल सरकार है, और जो देख रहे हैं हमें कौन काम करने वाला है, जो काम किया है उसको देंगे। सब छत्तीस बरादरी एक होकर कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही लोगों को उम्मीद है। जो काम हुए हैं कांग्रेस कार्यकाल में हुए हैं, पिछले 8 साल में कोई काम नहीं हुआ विकास का। जो दूसरे दो मंत्री हैं चाहे बीजेपी के जो नेता हुए, कह रहे कि वहाँ एक भी इंटर कांग्रेस सरकार में नहीं लगे है? वो जो बीजेपी के नेता हैं या मंत्री है, ये कह रहे कि जो कांग्रेस सरकार में आदमपुर में एक ईंट भी नहीं लगी। एक ईंट 8 साल से नहीं लगी है, हमारे समय तो एक कलम से 17 वाटर वर्क्स बनाए थे, रोड बनाई थी। ये पिछले 8 साल में कोई भी एक भी नाम काम बता दे, मैं मान दे। हर बार गरीब आदमी की जो है उन्होंने वजीफा काटा, बच्चों का, बुजुर्गों की पेंशन काटी, मतलब कोई भी ऐसा किसान बर्बादी पे पहुंच गया है। गरीब आदमी, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सब भी मुक्त, और आज सारे कर्मचारी वहाँ हड़ताल करे बैठे। सर जिस तरह से जय कुलदीप विष्णु ये कह रहे हैं कि हमारे जो गढ़ है उसको कोई भेद नहीं पाएगा, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस जीतेगी।